प्यारे बच्चों, अमेरिकन राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति जिसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो जाए वो और 14 वर्ष तक जो निवास करे वही व्यक्ति वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो जाता है। और उसके बारे में हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि मनोनयन और उसके माध्यम से मनोनयन होने के बाद एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और वह निर्वाचक मंडल के माध्यम से एक चयनित प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसी के साथ हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की जो प्रणाली है उसमें सूची प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति को वोट दिए जाते हैं और वोटों का सिस्टम होता है। इस सूची प्रणाली की चुनाव के साथ इनके दोषों का भी हमें ज्ञान है कि दोष के रूप में भी इसको जाना जाता है कि दुनिया में ये जो होने वाला राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसके माध्यम से कैसे सूची प्रणाली के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को प्राप्त होने वाले वोटों की गणना में बहुमत भी प्राप्त नहीं होता फिर भी राष्ट्रपति के लिए चयनित हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके द्वारा अपनी लोबिंग, अपना प्रचार इस तरह से नियत किया जाता है कि बड़े जो राज्य होते हैं जिनमें निर्वाचक मंडलों का कोटा ज़्यादा होता है, जहाँ से ज़्यादा निर्वाचन मंडल के उम्मीदवार के रूप में व्यक्ति निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो चयनित होते हैं, वो उन राज्यों को इम्पेसिस कर लेते हैं। बड़े राज्यों के बारे में चुनाव प्रक्रिया अपनी चुनाव माध्यम है वो अपना लेते हैं और चुनाव एक यूँ कहें कि हम जो राजनीतिक दल हैं उनकी कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहें कि हम चुनाव प्रणाली जो है इसमें जो राजनीतिक दल हैं वो एक प्रकार से रिकॉर्डिंग मशीन की तरह कार्य करते हैं, अर्थात उनकी चुनाव की कार्यशैली कैसे किस रूप में उसको रिकॉर्ड करती है। अर्थात वो बड़े राज्यों को इम्पेसिस करने में, यदि मान लो ट्रंप, यदि हमें पिछले चुनाव की बात करें तो ट्रंप को प्राप्त होने वाले मत वो अधिकतर बड़े राज्यों से हैं और बड़े राज्यों में उनके द्वारा बहुमत प्राप्त कर लिया गया। बहुमत प्राप्त करने के कारण उनको जो प्राप्त होने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है वो प्राप्त हो गई और वो विजयी प्राप्त हो गई। इसलिए छोटे राज्यों में उनको कम मत मिले और छोटे राज्यों में ज़्यादातर बहुमत है उनको नहीं मिला, ऐसी स्थिति में लेकिन उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कम थी, जैसे कोलंबिया है उसमें 3 सदस्य हैं, अन्य छोटे राज्य उनमें 5 सदस्य 7 सदस्य, उन राज्यों में ट्रंप को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन राज्यों में जिनमें 40, 42, 45, 48 निर्वाचक मंडल के सदस्य चयनित होने हैं, बड़े बड़े जो राज्य हैं उनमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में उनको प्राप्त होने वाले मत वो 50 से ज़्यादा हो गए, ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाले बहुमत के आधार पे उनको विजयी प्राप्त हुई। अर्थात एक सूची प्रणाली का दोष है। सूची प्रणाली का हमने अध्ययन किया है कि व्यक्ति है, मतदाता है, मतदाता कौन हो गया यहाँ, मतदाता कौन है जिसकी जो वोट डालने वाला है, जिसने 18 वर्ष पूरा कर लिया हो, 30 दिवस तक अमेरिका में रह रहा हो, ऐसा जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड हो जाता है उसको मतदान का अधिकार दे दिया जाता है, नागरिक के रूप में मानकर उसको मतदान का अधिकार दे दिया जाता है। तो ये मतदाता के रूप में जो पहचान होती है वो मतदाता उसमें वोट डालता है और उस वोटर के रूप में कार्य करता है। इसको मतदाता के साथ साथ हम इस सूची प्रणाली के द्वारा होने वाला निर्वाचन है उसको बड़े ध्यान से देखते हैं कि सूची प्रणाली में वो लिस्ट जो सूची है उसको जिस भी सूची में, चाहे वो डेमोक्रेटिक की हो चाहे रिपब्लिक की हो, चाहे डेमोक्रेटिक की हो रिपब्लिक को, जितने मेंबर जिस राज्य से आते हैं उस सूची को वोट देते हैं, अर्थात उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। अब बात रही कि मान लो ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि प्राप्त होने वाले मतदान किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं हो और दोनों के मतदान में बराबर बराबर मत हो जाएं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा। समझ में आई बात क्या है? अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित कोटा प्राप्त नहीं हुआ जो विजयी के लिए चाहिए, बहुमत चाहिए, 538 जो सदस्य हैं उनमें से बहुमत जो चाहिए वो बहुमत प्राप्त नहीं होता 538 में से, ठीक है ना, इसमें 538 में से बहुमत 51% मानो ना, 50 से प्लस वन है ना, 50 से एक ज़्यादा मत प्राप्त नहीं हुए और दोनों के दोनों को नीचे रह गए, और ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी, दोनों को समान मत प्राप्त होते हैं तो क्या स्थिति होगी। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले मत समान स्थिति में हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा, कांग्रेस का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा 3 व्यक्तियों की लिस्ट बनाता है, अर्थात उम्मीदवार के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति जो भी उम्मीदवार हैं उनमें से तीन व्यक्ति हैं वो चयनित होकर उनमें बड़े इंटाइटल कर दिया जाता है कि इन 3 व्यक्तियों में से एक का चयनित करना है। प्रतिनिधि सभा के व्यक्तियों को उसको राष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, किसी तीनों व्यक्तियों में से बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। ये कब? जब राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल से प्राप्त होने वाले मत
बराबर स्थिति में होते हो, अर्थात बहुमत की स्थिति प्राप्त नहीं होती हो, निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता हो, विजयी कोटा प्राप्त नहीं होता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को चयनित करने हेतु प्रतिनिधि सभा के माध्यम से उसका निर्वाचन किया जाता है। प्रतिनिधि सभा किस तरह से करती है? प्रतिनिधि सभा ऊपर के तीन जो उम्मीदवार होते हैं उनको इंटाइटल कर लेती है और उन तीनों में से प्राप्त होने वाले मतों को जिसको भी प्रतिनिधि सभा में बहुमत मिलता है वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये एक समान स्थिति में, इसी तरह से मान लो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के संबंध में सीनेट निर्णय करती है। वही प्रक्रिया, तीन व्यक्तियों को एंटाइटल करती है और तीन व्यक्तियों में से सीनेट के माध्यम से उसमें जिस भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता हो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो जाता है। अब ये तो हुई एक प्रकार से हम कहें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मतदान से संबंधित जुड़ी एक बिंदु। अब इनका कार्यकाल कितने? 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। क्या राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? यस, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और इनका लें हम, तो इन्होंने क्या है कि 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये कहा कि हम तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो एक परंपरा हो गई कि अमूमन 2 ही बार राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 3 बार राष्ट्रपति बने, लेकिन चौथी बार भी उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन धीरे धीरे इसके संबंध में एक संशोधन किया गया और कहा गया कि 2 बार एक व्यक्ति है और राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है, तो उसके ज़्यादा निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो अमूमन ये परंपरा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति 2 बार, एक बार का ट्रंप का कार्यकाल किसी भी का टर्म है वो 4 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चयनित होता है। ठीक है, कब? ये किस तारीख को? 20 जनवरी। इनका निश्चित समय होता है कि 20 जनवरी को जो समय है उसको मंगलवार के दिन शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसको राष्ट्रपति को चयनित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उसमें उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों के चयन से संबंधित परिस्थितियों में मतगणना का रूप है वो एक संयुक्त कमेटी, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के माध्यम से एक संयुक्त रूप से किया जाता है और सीनेट का जो अध्यक्ष होता है, सीनेट के अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता करते हैं और वो डिसाइड करते हैं चुनाव में इस आदमी को विजयी। एक प्रकार से ये हम कहें कि निर्वाचन आयुक्त का रूप में कार्य करने वाला सीनेट का अध्यक्ष होता है और इसका प्रचार का जो कार्य करते हैं प्रचार से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह से कौन भागीदारी लेगा, क्या कार्यशैला रहेगी, किस तरह से करेंगे, ये सारी की सारी एक कमेटी बनाई जाती है अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से जो इसको डिसाइड करती है उस कमेटी के माध्यम से कैसे चुनाव करना है, क्या प्रचार करना है। अर्थात ये कहें कि हम राष्ट्रपति के एकदम नज़दीक के जो लोग होते हैं उनकी जो कमेटी जो समिति होती है वो उनको प्रचार के माध्यम से कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के मतगणना, राष्ट्रपति का निर्वाचन और ये सभी के सभी एक संयुक्त ज्वाइंट कमेटी के द्वारा, संयुक्त दोनों दलों के संयुक्त मीटिंग के द्वारा उसकी गणना की जाती है और उस गणना के माध्यम से हम ये कहें कि सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी गणना करता है और उस गणना के माध्यम से ही वो चयनित होता है। राष्ट्रपति का यही चयन की प्रक्रिया है और इसी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन कार्य पूर्ण होता है। तो ये हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पढ़ा और इसके बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति से जुड़े और रोचक तथ्य और रोचक बिंदु अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।